राहत इंदौरी का एक शेर है कि फैसला जो कुछ भी हो हमें मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। ये बात हम इस वजह से कह रहे हैं कि निवाड़ी विधानसभा है, ये बुंदेलखंड का है जहाँ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, और भारतीय जनता पार्टी जी को छोड़कर रोशनी यादव ने कांग्रेस का दामन थामा। हम फिर कहेंगे कि जब अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, जब लोग पैदल चलकर उनका भाषण सुनने आते थे, आपका परिवार भारतीय जनता पार्टी में रहा, इसीलिए हम गोपालदास नीरज का एक शेर भी कहते हैं कि अब वो पार्टी नहीं रही भारतीय जनता पार्टी जैसे हुआ करती थी, कि ना वो दिल रहे न दर्द रहे न वो दीवाने रहे, अब ना वो सोज न साज न वो गाने रहे, और कांग्रेस का दामन थामा है रोशनी यादव ने, और संभावित कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सागर एक्सप्रेस न्यूज जी। आपने दो शेरों के साथ शुरू किया, आपने अटल जी की बात कही, तो मैं कहती हूँ उन्हीं से मैंने प्रेरणा ली है कि रार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, तो उस पथ पर निकले हैं, और जनता का जहाँ आशीर्वाद हो तो दल बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनके दिलों में प्रेम हो तो वो कांग्रेस में भी गंगा बहाने का काम करेंगे। और दूसरी बात, राहत इंदौरी जी से मैंने ये सीखा है कि वो कहते हैं कि अगर कोई हमारा दुश्मन भी है तो मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आती हूँ, और मैं उनको कहती हूँ कि उनमें भी मैं प्रेम और मोहब्बत बांट रही हूँ, कि मेरे जान के दुश्मन को मैं अपनी जान कहती हूँ, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान और निवाड़ी विधानसभा और ये मेरी पूरी जनता कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कहती है। बुंदेलखंड का ये बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी काफ़ी वक्त से काबिज है। आपने भाजपा को भी नज़दीक से देखा और कांग्रेस को भी देख रहे, आप क्या समझ रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो पहले जो परंपरा थी या जिस जो पार्टी का जो केंद्र बिंदु था कि कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देना, और उनका शीर्ष नेतृत्व डंका बजा बजा कर इस बात को कहता है कि कार्यकर्ता हमारा बूथ का कार्यकर्ता लड़ता है, आज उस कार्यकर्ता के हृदय से पूछें, आप उनके दुख में शामिल होकर पूछें कि उनको कितना बड़ा दर्द है कि आज कार्यकर्ता की कोई सुनवाई नहीं होती, कार्यकर्ता भीख मांग के कटोरा लेके ये कहते हैं कि रोड पर खड़े हो जाओ, आप दक्षिणा लो, आप रोटी मांगो, लेकिन ये पूरे मध्य प्रदेश का युवा रोजगार ना मांगे। तो आज ये जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी थी वो कार्यकर्ता आधारित नहीं रही, ये इनकी रीति नीति बहुत खराब हो चली है, ये नेता केंद्रित पार्टी हो गई है, यहाँ सिर्फ एक नेता की सुनी जाती है और कार्यकर्ता भटकता रहता है, और बीजेपी के कार्यकर्ता को तो पृथ्वीपुर में कुचल दिया गया है, क्योंकि कोई अन्य दल से आगे आपने स्वागत किया, वो कार्यकर्ता जमीन पर मेहनत करता रहा, लड़ता रहा और संघर्ष करता रहा, लेकिन आज उस कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं हो रही है। हम जैसे कार्यकर्ता जो रात दिन मेहनत करने वाले हैं, यहाँ महिला सशक्तिकरण की ताकत को बढ़ाने वाले हैं, लेकिन ऐसे कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जाता है, उनकी सुनी नहीं जाती। हम लोग क्षेत्र की मांगों को, मैं स्वयं जिला पंचायत सदस्य हूँ और लगातार अपने क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में लिधौरा बनग्राम जैसी सड़कें 20-25 साल से अगर बारिश हो जाए तो वो दो दो महीने तक, तीन तीन महीने तक निकल नहीं पाते हैं। ब्याटा एक निवाड़ी विधानसभा में अभी एक वृद्ध जन की रेल से कट के मौत हो गई, और उस गांव ने इनको वोट नहीं दिए, तो इनकी मानसिकता जो कहते हैं कि यहां पे सरल सहज विधायक बनकर के बैठे हैं, आप जाके उस गांव से पूछें उनकी पीड़ा कि 20 साल से 25 साल से उस गांव में पुल नहीं है, और चार महीने जब बरसात हो जाती है तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो आज पूरा जो प्रदेश है, और सबसे बड़ी महंगाई की मार, आज डीजल पेट्रोल कहाँ पहुँचा दिया, जब कांग्रेस की सरकार रही छोटा सा मोबाइल जरा सा 10 रुपये का रिचार्ज किया, माता पिता से बात हो जाती थी, आज अगर 250-500 रुपये में रिचार्ज चाहिए, फ्री में आप जियो की सिम दे रहे हैं, आप अपने मित्र अंबानी जी को साधने का काम कर रहे हैं, लोगों को अडिक्टेड बना रहे हैं, सोशल मीडिया अडिक्टेड, आप फ्री उपहार दे करके हमें एक नशे सी गिरफ्त से लोग छूट रहे हैं, लेकिन जो मोबाइल की गिरफ्त में आप डाल रहे हैं, जो अडिक्टेड बना रहे हैं, उन युवाओं का भविष्य क्या हो रहा? आप रोजगार के मुद्दे पे बात नहीं करते। अभी पटवारी बच्चे, हम जैसे युवा पढ़े लिखे होकर के डिग्रियां लेकर के हम लोग दरवाजे पर चिल्ला चिल्ला के सर पटक के अपनी कर्मी की दुहाई मांगते हैं, लेकिन हमें हमारा हक ही नहीं मिलता। और आज ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी वहाँ से चिल्ला के कहते हैं, आपको भी हकीकत पता होगा कि वो ओबीसी वर्ग से नहीं आते, और यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओबीसी वर्ग की बात करते हैं, आज पूरा ओबीसी वर्ग और मध्य प्रदेश सब कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी, तो इन्हें कहाँ भागीदारी निभाने का काम कर रहे हैं, और हमेशा पीछे धकेलने का काम किया है। और जो कर्मठ कार्यकर्ता है,
उनको हमेशा ये दरकिनार करते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। और निवाड़ी ज़िले में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। एक छोटा सा जिला जिसको इन्होंने नवगठित किया और वो भी पूरे जनता की मांग थी, 33 करोड़ का घोटाला, अगर उसका मार्केट रेट लगाया जाए तो इन्होंने सोसाइटियों में 660 करोड़ का घोटाला, आप कल्पना कर सकते हैं इतना अत्याचार है। अगर एक माता पिता, मेरा गरीब किसान माँ बाप, अगर किसी को BPL बनवाना है, अगर एक किताब में नाम का संशोधन करवाना है जो कि प्रशासनिक लोगों के द्वारा गलती की गई है, तो उसमें भी इनको 1,000-2,000 रुपये रिश्वत चाहिए। और 3-3, 4-4 साल तक वो उनके चक्कर काट रहे हैं दफ्तरों के, लेकिन इनका काम नहीं हो रहा है। तो कैसे जो है लोग आज नाराजगी है, जन जन में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है, और सबने ये तय कर लिया, पूरे निवाड़ी विधानसभा ने, कि हर पार्टी का यहाँ सोपड़ा साफ होने वाला है और पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस 150 पार होगी और निवाड़ी विधानसभा भी जीत कर आएंगे। समाजवादी पार्टी भी यहाँ पहल जमा रही है जी, क्योंकि अब महिला को आगे करके नेतागिरी दीप नारायण यादव करते हैं। देखिए, मैं चूंकि ये व्यक्तिगत कोई कटाक्ष नहीं करूंगी, समाजवादी तो यहाँ बहुत दिनों से पैर जमाई हुई है और अगर उनको सफलता मिलती, लेकिन निवाड़ी विधानसभा ने उन्हें हमेशा नकारा है। और एक सबसे बड़ा झूठ जो वो फैला रहे हैं 2-4 महीने से कि मेरा गठबंधन हुआ, आज तक मेरे किसी शीर्ष नेतृत्व ने या उनके शीर्ष नेतृत्व ने कभी ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि हमारा गठबंधन हुआ। कल कमलनाथ जी ने स्टेटमेंट दिया है कि कोई गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन झूठ की राजनीति ये फैला करके जीतना चाहते हैं, तो झूठ कभी सफल नहीं होता, सच्चाई हमेशा आगे आती है। और ये आज ये वो नहीं चाह रहे हैं कि हम जैसा कर्मठ कार्यकर्ता और लगनशील कार्यकर्ता और पूरे कांग्रेस परिवार का समर्थन है हमारे साथ, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष राजेश यादव जी भी हैं, हरिमोहन बाथम जी हैं, सारे भाई, पूरी कांग्रेस, चंद्रभान दांगी जी, रमेश निराला जी, ये 2 बार से चेयरमैन रहे हैं, निर्दलीय लड़कर आए हैं, तो इन सब लोगों ने मजबूती के साथ काम किया है और वो दिख रहा है। चाहे समाजवादी आए, चाहे वहाँ पे बसपा, कोई भी लड़े, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता ने पूरा मन बना लिया है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ही जनता की अपील है कि वो स्वयं इस चुनाव को लड़ रहे हैं। और ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, सच्चाई का चुनाव है, और यहाँ रोजगार दिलाने का चुनाव है, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी जीत कर आएगी और कोई किसी तरह का कोई विद्रोह उत्पन्न नहीं होता। कानून व्यवस्था को लेकर झूठे मुकदमे हो रहे हैं, मैं अभी घूमा, टीकमगढ़ भी गया, खरगापुर, क्या देखती हैं आप जनता में उस बात को? ये देखिए, इन्होंने ये बीजेपी का, देखिए मुझे क्यों त्रस्त होकर छोड़ना पड़ा, जबकि मैं खुद एक हिंदू संस्कृति और एक भक्त के रूप में धर्म को लेकर चलती हूँ। और ये राम के नाम पर आप देखिए कि जो पार्टी भगवान के नाम पर भगवान की सौगंध खा के वोट मांगने लगे, आदरणीय मोदी जी उस मंच से, लाल किले से खड़े होकर कहते हैं कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं प्रदेश नहीं झुकने दूंगा, तो आज वो देश को मिटाने का काम कर रहे हैं। आज देश में बचा क्या है? रेलवे बेच रहे, हवाई अड्डे बेच रहे, प्लेटफॉर्म बेच दिया, बैंक बेच दिया, सब कुछ प्राइवेट कर दिया, तो सरकारी क्या चीज है रही? इन लोगों को, बच्चों को नौकरी कहां से मिलेगी? जब सरकारी दफ्तरों को आप सबको प्राइवेटीकरण कर देंगे तो कैसे जो है हम लोगों को राहत मिल पाएगी? तो आज उस बात के लिए पूरा जन जन ने यह ठान लिया है कि बदलाव तय है, प्रदेश में भी होगा, विधानसभाओं में भी होगा, और आने वाले 2024 में देश में भी होगा। ये हम आपसे कह रहे थे, बड़ा स्पष्ट प्रश्न था, सवाल था कि लोगों पे झूठे मुकदमे हो रहे हैं, झूठे मुकदमे। ये देखिए, ये बीजेपी का चाल चरित्र और ऐसी इनकी मानसिकता हो गई कि जो कार्यकर्ता इनके साथ खड़ा नहीं होता है, जो इनके विपक्ष में जाता है, तो ये उनका मुंह बंद करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ही खड़ी हुई, मैंने जो है जनता की लड़ाई लड़ी, तो हमारे जो गणमान्य यहाँ पे जो विधायक बैठे हुए हैं पृथ्वीपुर, मेरे जिला पंचायत में भी बहुत विरोध किया और हर तरीके से झुकाने का प्रयास किया, लेकिन हम झांसी की रानी वीरांगना की तरह डटकर मैदान में खड़े हैं। और जनता का आशीर्वाद है, बुंदेलखंड की बेटी, इस बेटी को कोई झुकाने वाला नहीं है, ये भूल जाए। और पृथ्वीपुर और निवाड़ी दोनों विधानसभा हम जीत कर आएंगे, और जितने झूठे मुकदमे किए हैं इन्होंने किसानों पे, हमारे कार्यकर्ता पे, हमारी सरकार आएगी, उन सारे मुकदमों का पाई पाई से हिसाब लिया जाएगा, और जिनने भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोरी का काम किया है उनको भी वो सजा मिलेगी जिस सजा के वो हकदार हैं। जोर जुल्म की राजनीति हो रही है, जोर जुल्म की राजनीति के बीच में ये कहा जा सकता है कि किसी ने क्या खूब कहा है कि जुल्म की कोई परवाह
नवाज नहीं होती, नेकी से बदी की मुमताज नहीं होती, जुल्म करने वाले लोगों समझ जाओ, ईश्वर की लाठी की आवाज नहीं होती। इस वक्त हम निवाड़ी विधानसभा के ओरछा की धरती पर है, जाहिर तौर पर रोशनी यादव संभावित प्रत्याशी है यहाँ से और उनको टिकट लगभग मिल गया है, तो अब वो जनसंपर्क में जुटी है। आज उनका जनसंपर्क ओरछा में है, इसीलिए आज से कहा जा सकता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी समाजवादी में भले टक्कर हो, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि इस दफा निवाड़ी सीट उसके हक में आई। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, निवाड़ी। सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश।